यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप के मामले को लेकर एबीवीपी और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई हमीरपुर में गांधी चौक हमीरपुर में यूपी के हाथरस में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटित हुई है, विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। वहीं भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने भी गांधी चौक पर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूपी सरकार का पुतला भी जलाया। इस मौके पर नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। अपने प्रदर्शन के दौरान अनिल ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यपद्धति प्रश्न चिन्ह के घेरे में आती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में कैसे घटित हो रही है और ये सोचने वाली बात है। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो भी इस घटना में दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए और हाथरस के उस परिवार को न्याय मिले जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई हमीरपुर का आज जिला केंद्र पर ये धरना है, जो यूपी प्रदेश के अंदर हाथरस में जो एक बहन है उनके साथ जो वहाँ पे घटना घटित हुई उसको लेकर जो पूरे का जो यूपी सरकार का रवैया, वहाँ पे जो यूपी पुलिस का रवैया है उसके खिलाफ है। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में सड़कों पर उतरी हुई है तथा यूपी की इस घटना की कड़ी निंदा करती है तथा सरकार से मांग करती है कि जो दोषी उस कांड में है, उस घटना में है, जिन्होंने उस बहन के साथ ऐसा दुराचार किया है, उनको फांसी की सजा हो तथा महिला सशक्तिकरण की जो बात भाजपा सरकार करती है, भाजपा के राज में ये कैसी घटनाएं घट रही हैं, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण के जो कानून हैं वो कड़ी सख्ती के साथ जो है लागू होने चाहिए। हमारी विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को जो है फांसी की सजा हो। जो है वहाँ के DM जिस प्रकार उधर उनके घर परिवार को जो धमकियाँ दे रहे हैं कि मीडिया चली जाएगी कि उसके बाद उनका कौन होगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद उस परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है तथा जिस प्रकार 2012 में जो दामिनी का निर्भया जो दिल्ली का हुआ था, जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद वहाँ पर लड़ी थी, इसी प्रकार यूपी के इस घटना पे विद्यार्थी परिषद लड़ेगी तथा सरकार को घेरेगी अगर यदि उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जो है अभी जिला स्तर पे हुए, प्रांत स्तर पर भी हो सकते हैं, इसमें प्रांत स्तर की योजना है, जो यूपी जो प्रांत है वहाँ पे भी एबीवीपी के जो है ऐसे धरने प्रदर्शन चले हुए हैं जिससे सरकार को जगाया जा सके। नाम क्या जी? अनिल ठाकुर, जिला संयोजक, जिला हमीरपुर। वहीं भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि यूपी सरकार के द्वारा गैंगरेप के आरोपियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने पहले केस को दबाने की कोशिश की है और सरकार मामले के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज इसी के विरोध में गांधी चौक पर यूपी सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया है।